पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग द्वारा विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन शुक्रवार को विभाग के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य प्रोफेसर ए के कौल, गोरखपुर विश्वविद्यालय समाजशास्त्र के अध्यक्ष प्रोफेसर मानवेंद्र सिंह, कला संकाय के डीन प्रोफेसर सी पी श्रीवास्तव, समाजशास्त्र की पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे सहित विभाग के कई शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। व्याख्यान के दौरान मुख्य वक्ता प्रोफेसर डी के कौल ने मॉडर्निटी इट्स रप्चर एंड सर्च फॉर अल्टरनेट मॉडर्निटी विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान प्रश्नकाल का भी दौर चला, जिसमें मुख्य वक्ता ने छात्र छात्राओं के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सरलता से जवाब दिया। तुम बाजार में वो तो क्या जग था, क्या झगड़ा था मुझको, ले आते दिलो जान जाकर कहीं और। अगर दिलो जान बिक जाता बाजार में तो हम कहीं और से ले आते, लेकिन तुम नहीं हो। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड। आलम में तुझसे लाख से ही तू मगर कहां। लव कैन नॉट बी कोडिफाइड, नंबर वन। ये आप उसको लस्ट मान लीजिए, वो मान लीजिए, ग्लैमर मान लीजिए, वही चीजें जवानी में बड़ी सुंदर लगती है, बुढ़ापे तक खत्म हो जाती है। दैट इज नॉट लव, दैट इज नॉट लव, दैट इज इनफेक्टिव। तो जैसे आप इंडियन ट्रेडिशन को आप कोडिफाई नहीं कर सकते हैं। द मोमेंट यू कोडिफाई इट, आप प्रॉब्लम पड़ जाए। जैसे रिलीजन्स, आपने रिलीजन्स को कोडिफाई कर दिया, चाहे वो विवरण वहाँ का अब्राहमिक रिलीजन जितने भी है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी था या इस्लाम, जब आपने कोडिफाई कर दिया, यंग माइंड्स में क्वेश्चन उभर के आते हैं कि ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, चांद क्यों, वो क्यों, ये क्यों, सवाल उभर के आते हैं, बिकॉज यू हैव कोडिफाइड इट। उससे आप, उसमें आप प्रिजन हो गए, उसमें आप जेल हो गए, कैद हो गए, उससे आप निकल नहीं पाएंगे। इसलिए आप, हमारे यहाँ यही चल रहा था, ट्रेडिशन कैन नॉट बी कोडिफाइड। मुझे आज़ाद दो, मुझे अपनी आज़ादी है, मुझे कोड, चाहे मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, हर रास्ता तेरे घर जाए, मैं गुमराह नहीं हो जाऊँगा। आई कैन नॉट बी कोडिफाइड। तो इस तरह लव कैन नॉट बी कोडिफाइड। लव मदर का भी है, लव हस्बैंड का भी है, लव दोस्त का भी है। वो लव जो लव है, इट कैन नॉट बी कोडिफाइड। वो वट, क्योंकि हम लोगों ने डोमिनेशन और पावर को, लव को सिर्फ तारीफ के लिए रखा, काम लिया है डोमिनेशन से, पावर से, हेजमनी से, क्योंकि हमें अपना पराया बनाना था यूरोप का, ग्रीक का। अगर आप उसको छोड़िएगा, तो अगर उसको हटाएगा, तो प्यार से रहिएगा, ना आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, ना कोई प्रॉपर उस तरह का होगा, जो तेरा हो मेरा है, तो पर्सनल प्रॉपर्टी का झगड़े खत्म हो गए, बाउंड्रीज ही खत्म हो जाएगी। जब बाउंड्रीज खत्म हो जाएंगे, कोडिफिकेशन खत्म हो जाएगी, तो दुनिया का नया वो अभी हमें लग रहा है अजीब सा, क्योंकि वी डिडंट वर्क ऑन इट, चाहे यूरोप और वेस्ट और है, हम मत करते, ईस्टर्न मत करते, उनके पास पावर नहीं था। यूरोप के पास पावर था, वो सोचे कि उन पर सूरज कभी डलेगा नहीं, अपने पर ही रखो। अब उनके पास ये समस्या आ रही है, सो दे गो फॉर मल्टीपल मॉडर्निटी, दे गो फॉर आल्टरनेट मॉडर्निटी, दे गो फॉर न्यू सिस्टम्स। नेशन स्टेट का आल्टरनेटिव नहीं है, आपका कहना सही है। अभी आपको लगता है ये मिथ्स कैसा, क्योंकि आपके पास, देखिए कश्मीर प्रॉब्लम देखिए, मैं अपनी बात दो मिनट करूंगा। I have friends, the best friend even now is my Muslim friend from Kashmir. जब मैं उसे बात करता हूँ, अगर आप उम्मा की बात करेंगे, तो कश्मीर से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है, तो कहाँ जाइएगा। अगर आप एथनीसिटी की बात करेंगे, कश्मीरी हिंदू निकल गए हैं, तो कौन सी एथनीसिटी। और नेशन स्टेट का कोई चॉइस नहीं, उससे बढ़िया तुम्हारे पास कोई सिस्टम हो, बैक टू, आपको राजा महाराजा के पास जाना नहीं है, उस रिलीजियस रिलीजियस में नहीं जाना जो आपको तालिबान दे देगा या कल्चर हेजमनी देगा। आप आगे जाइएगा, मुझे लग रहा है कि एनलाइटमेंट के बाद धर्म आते, चाहे दूसरा मजहब हो, साइंस भी हार गया, इसलिए आपको दिल को बहलाने का लग रहा है ख्याल, बिकॉज लीनियरिटी नजर नहीं रहा है। बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन बांधेगा, अगर डायलॉग नहीं है, अगर मुझे होप नहीं है, अगर इन बच्चों को होप नहीं है कि मुझे कल जाकर कहीं भविष्य बनेगा, हो गया। फिर कल्चर इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, यूरोप में पहले कल्चर इंटीग्रेशन पहले हुआ, फिर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो गई। सर उसके लिए मतलब एक ऐसी कल्पना साकार की जाए कि अनऑफेंडिंग सोसाइटी बने। मुझे लग रहा है कि देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, जब तक आपका दोस्तियां ना हो मुल्कों में, जब तक दोस्तियां ना हो, मार्केट ही चले, वो भी कॉम्पिटिटिव है। चाइना बना दिया ओपेक, ये जो सी पैक बनाया, ये क्या है, इट इज अ ऑल्टरनेट रूट फॉर मार्केट। ये किसी ने ये इरिटेशन देगा, जब किसी ने नहीं कहेगा, पैसा है इसमें, आपको चाहे बिजनेस से कहीं से, उसमें तुम भी जियो मैं भी जियो, और कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी घर बचते हैं। अगर कोई आदमी, कोई मेंबर, चाहे बड़ा भाई, छोटा भाई, माँ बाप, कोई ना कोई सेक्रीफाइस करता है।
गिव एंड टेक नहीं है लव, इट इज सैक्रिफाइस। आई गॉट लोगों ने कहा कि सब वो दक्षिण पंथ। देखिए इसमें मैं आपको रेस्पॉन्स, मैं आपको इसमें आपको दो ही, एक हाइबरमास, एक गिडेंस, एक बाम है, तीन लोग हैं जिन्होंने इन सवाल को उठाया। जो मैं कह रहा हूँ डाइवोर्स हो रहा है, बाम है। हाइबरमास ने कहा कि देखिए ऐसे माहौल में क्या कीजिएगा, आपको पब्लिक स्फीयर बढ़ाना पड़ेगा, और ये पब्लिक स्फीयर बढ़ेगा डाइवर्स, यानी कि आप अपने कुछ में रहिएगा वही बात करेंगे। अगर लिंचिंग इज ए प्रॉब्लम, जो लिंच करते हैं उनके साथ बैठना पड़ेगा, और उसमें से जो कह रहे थे कंसेंसस का हम नहीं मानते, उसमें से कंसेंसस बनेगा जो हाइबरमास कहता है, दैट विल बिकम आइडियाज। ये ग्रुप ग्रुप बनेंगे डायलॉग के ग्रुप, और उसमें सेल्फ रिफ्लेक्टिव काम करेगी, उसमें गिव एंड टेक नहीं रहेगा, बल्कि जो तुम जैसे जियोगे, जैसे भक्ति मोमेंट क्या था, उस वक्त भी क्राइसिस थी, एक नया इस्लाम आया था जो अपोजिट टू हिंदुइज्म था, और लेकिन 10वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक उन्होंने जान लिया ना हम यहाँ से हिंदू को अलग कर सकते हैं ना हम अब इस्लाम यहाँ से जाए, दोनों ने जीने का रास्ता निकाल दिया, तुम भी जियो मैं भी जियो, प्रेजेंट यूनिवर्स, कॉमन पृथ्वी, कॉमन आर्किटेक्चर, कबीर, चश्ती, नानक सिंबल आए, रायदास, ये सिंबल, ये आर्टलेट बना ना, उसी पर आपका नेचुरल कल्चर फिर बन गया, उसी को रिफॉर्म मूवमेंट्स ने आगे दिया, उसी को गांधी जी ने बजरू में ले लिया, नोबडी उसको उतना डिसेंट नहीं मिला, कंसेंसस मिल गई, कंसेंसस 100% नहीं होगा, आज भी आप, क्योंकि आप लोग से उम्मीद है, बच्चों से ही उम्मीद है, हम लोग तो अब गए हैं, आप लोग पब्लिक स्फीयर में डाइवर्स जिनको आप दुश्मन मानते हैं, गैर मानते हैं, उनसे बैठ कर उनकी बातें सुनकर अपनी बात कहकर एक आइडियल स्पीच बनेगा, जब आइडियल स्पीच हर मास बनेगा उससे ही उम्मीद बनेगी डायलॉग। अगर और वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव से आप बाउंड्री बनाएंगे, जब तक ये नहीं होगा आई डोंट थिंक, और फिर ट्रेडिशन से, ट्रेडिशन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, उनकी मैसेजेस हैं, कुछ चीज़ें जैसे इस्लाम है थैंकफुल, जैसे ग्रेटिट्यूड है, बहुत बड़ी चीज़ है, यू कुछ भी कहो अलहमदुल्ला आई थैंक, ये जो थैंकफुलनेस है इज ए ग्रेटेस्ट वेलकम।